आज हम सूरत स्पेशल राजा रानी पराठा बनाएंगे। तो पराठा बनाने के लिए पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं उसकी। तो मैंने एक मीडियम फ्लेम पे एक पैन रखा था, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, कैबेज डालेंगे 1 कप। कैबेज को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। लगभग 2 मिनट के लिए हम उसे सौते करेंगे। फिर उसमें हम 1 कप कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम और कैबेज दोनों को और 2-3 मिनट के लिए सौते करेंगे। हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है तो उसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। फिर उसमें 1 कप टमाटर डालेंगे, पनीर डालेंगे 1 कप, फिर मैंने 2 कच्चे केले को ना बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। अब वेजिटेबल्स आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मिक्सिंग बाउल छोटा पड़ रहा है तो मैं बड़े बाउल में शिफ्ट कर दूँगी उसे। फिर चीज़ डालेंगे 1/4 कप, हरी मिर्ची डालेंगे 1 चम्मच। अभी सब हम मसाले डाल देंगे। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, धनिया जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और हल्दी जितना डालेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। लेमन डालेंगे 1 चम्मच और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम धनिया डालेंगे। धनिया को भी हम स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। मैंने रोटी जैसा आटा भून के रखा हुआ था, पहले हम रोटी का आटा रोल कर लेंगे। फिर बीच में मैंने 2 से 3 चम्मच जितना स्टफिंग भरा है उसे अब हम मोदक के शेप में फोल्ड कर लेंगे। मोदक के शेप में अच्छे से बंद हो जाए ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना निकले। और फिर उसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे वापस से। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पराठा अच्छे से रोल हो गया है। फिर मीडियम फ्लेम पे मैंने तवा रखा है, गरम करने के लिए रख दिया है। 1 चम्मच जितना ऑयल लगाएंगे हम। अब ऑयल, बटर या घी कुछ भी ले सकते हो। फिर पराठे को हम दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मैं दोनों साइड से ऑयल लगा रही हूँ पराठे पे ताकि अच्छा सा क्रिस्पी पराठा बने हमारा। तो हमारा पराठा अच्छे से रोस्ट हो गया है। फिर पैन पे मैंने 1 चम्मच ऑयल लेंगे। फिर 2 चम्मच इतना स्टफिंग डालेंगे। ये पराठे के ऊपर हमें स्टफिंग लगाना है, इसके लिए हम पहले उसे रोस्ट कर लें ताकि कच्चापन ना रहे किधर। और ये स्टफिंग हम पराठे पे लगा देंगे। हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है स्टफिंग को पराठे पे। फिर हम टॉप पे चीज़ डालेंगे। चीज़ आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितना डालना हो। फिर लास्ट में टोमेटो केचप डालेंगे। हम चाहे तो मायोनीज भी लगा सकते हो ऊपर। तो ये हमारा पराठा रेडी हो गया है।